अगर दोस्तों आप लोग शेरिट यूज करते हैं और आप लोगों को शेरिट्स के इन तीन सीक्रेट्स का नहीं पता, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम हमजा फ्रॉम टेक्नोलॉजी फॉर यू, और आज की वीडियो में हम शेरिट के ऐसे थ्री फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तीन ऐसे राज के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो सकते हैं। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए आज की स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फीचर की। सबसे पहला जो फीचर ये है कि जैसे ही आप लोग शेरिट को ओपन करते हैं, तो अगर आप लोग किसी भी फोन को कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं और उस फोन में शेरिट नहीं है, तो आप लोग ये इसी के जरिए अपने फोन के जरिए उसको शेरिट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इजीली आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये फेस पीपस लिखा हुआ, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा ब्लूटूथ लिखा हुआ, आप लोगों ने ये देख सकते हैं ब्लूटूथ या हॉटस्पॉट। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप लोग ब्लूटूथ के जरिए शेयर करें। जैसे आप लोग ब्लूटूथ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को परमिशन मांगेगा, आपने ओके कर देना है और अलाउ। यहाँ से आप जो भी डिवाइस होगी जिसके साथ आप लोगों ने फाइल शेयर करनी है, यहाँ पे वो सर्च हो जाएगी, तो इजीली आप लोग शेरिट को शेरिट उस फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो काफी अच्छा फीचर है। बात कर लेते हैं दूसरे फीचर की। तो दूसरा फीचर ये है कि आप लोगों को नीचे यहाँ पे नजर आ रहा होगा अदर्स, आप लोगों ने अदर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये स्कैनिंग अभी कर रहा है स्टोरेज। तो मैं आपको बताता हूँ ये फीचर भी काफी अच्छा है। अगर आप लोगों के फोन में कोई क्लीन मास्टर वगैरह नहीं है तो ये फीचर काफी आपको हेल्प करता है। यहाँ पे गाइस ने स्कैन कर लिया कि हमारे फोन में इस टाइम 76.2 MB जंक फाइल है। तो अगर आपके फोन की स्टोरेज फुल हो गया तो यहाँ से आप लोग क्लीन भी कर सकते हैं, मीन्स के 76.2 MB मेरे फोन से क्लीन हो गई है स्टोरेज। तो ये काफी अच्छा फीचर, आप लोगों को किसी क्लीन मास्टर की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सिक्योरिटी वगैरह की काफी ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे क्लीन मास्टर की तरह ही ये भी आपके फोन में काम वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप लोग और भी देख सकते हैं, लॉक वगैरह है, स्पेस एनालाइजर है, तो काफी अच्छा ये भी फीचर है, किसी आपको एक एक्स्ट्रा और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टोरेज के लिए। बात करते हैं इसके नंबर थर्ड लास्ट फीचर के बारे में। जो इसका लास्ट फीचर है वो ये है कि आप लोगों ने गाइस सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है ये अपने फेस पे, जो आपका फेस है इस पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लोगों ने चल जाना है सेटिंग्स में। जैसे ही आप लोग सेटिंग्स में आ जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को ऊपर सबसे नजर आ रहा होगा स्टोरेज लोकेशन, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो ये काफी अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज SD कार्ड, मीन्स आप जो भी फाइल शेयर करेंगे किसी भी फोन से अपने फोन में शेयर करते हैं तो वो किस में स्टोर हो। अगर आप लोग इंटरनल स्टोरेज में स्टोर करना चाहते हैं इंटरनल में कर लें, अगर आप लोग SD कार्ड में करना चाहते हैं तो SD कार्ड में कर लें। तो अगर आप लोगों का SD कार्ड काफी बड़ा है, फोन की स्टोरेज फुल हो गई है, तो आप लोग SD कार्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लें, तो ये जो भी अब फाइल होगी वो SD कार्ड में ट्रांसफर करेगा, मीन्स के इंटरनल स्टोरेज में नहीं जाएगा। और यहाँ से आप लोग कैश वगैरह भी क्लियर कर सकते हैं। तो काफी अच्छा ये भी फीचर वर्क करता है। सो आई होप गाइज आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो फिर इसे लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और यहाँ सेंटर में मेरे चैनल का फेस आ रहा होगा उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का आपको ये फायदा होगा कि मैं अपने चैनल पर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।